सो गाइस, आज मैं आपके लिए एक नया प्रोडक्ट लेके आई हूँ जो कि है VLCC नेचुरल साइंस इंस्टा ग्लो डायमंड ब्लीच। तो काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि फेशियल करने से पहले आपको फेस पे कौन सा ब्लीच अप्लाई करना चाहिए, कौन सा ब्लीच अच्छा है। तो आप VLCC का डायमंड ब्लीच यूज़ कर सकते हैं। आज मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप ब्लीच करके दिखाऊंगी। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो ब्लीच होती है वो हमारे चेहरे के बालों को गोल्डन नहीं करती है, तो हो सकता है कि आप कोई मिस्टेक करते हैं ब्लीच अप्लाई करने पे। तो आज मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगी। और अगर आप ये वाला ब्लीच इस तरह से अप्लाई करेंगे तो आपके फेशियल हेयर्स गोल्डन भी हो जाएंगे और आपके फेस पे एक बहुत ही अच्छा सा ग्लो भी आएगा। सो गाइज, जो ये VLCC का ब्लीच है ये आपको मिल जाएगा 140 रुपीज़ में। और इस वाले पैक में टोटल 60 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट मिलता है और ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के लिए होता है। आप इस ब्लीच को इजीली मार्केट से या फिर ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। अब मैं आपको इस बॉक्स को ओपन करके दिखाती हूँ कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको मिलता है VLCC का डायमंड ब्लीच क्रीम, जो कि आता है 40 ग्राम्स। तो गाइस, ब्लीच अप्लाई करने से पहले हमें अपने चेहरे में एक क्रीम अप्लाई करने के लिए दी जाती है। तो इस तरह का इसका ये पाउच आता है छोटा सा, उसमें लिखा होता है प्री ब्लीच क्रीम। तो अब उसके बाद हमको मिलता है एक पोस्ट ब्लीच पैक। सो गाइस, ब्लीच अप्लाई करने के बाद हमें अपने चेहरे पे एक पैक अप्लाई करने के लिए दिया जाता है, जिससे हमारे चेहरे पे कोई भी टाइप की इरिटेशन ना हो और चेहरे में एक बहुत ही अच्छा सा ग्लो आ जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसमें एक इंस्ट्रक्शन बुकलेट मिलता है। इस तरह का एक पेपर होता है जिसमें सारे इंस्ट्रक्शन बहुत ही क्लियरली दिया होता है कि किस तरह से आपको ब्लीच को निकालना है, मिक्स करना है और कैसे अप्लाई करना है। एंड ऑल्सो VLCC नेचुरल साइंस के टोटल 4 ब्लीच आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक होता है इंस्टा ग्लो डायमंड ब्लीच, गोल्ड ब्लीच, हर्बल ब्लीच एंड ऑक्सीजन ब्लीच। गाइस, उसके बाद हमें मिलता है VLCC इंस्टा ग्लो डायमंड ब्लीच पाउडर एक्टिवेटर, जिसकी क्वांटिटी सिर्फ 2 ग्राम्स होती है। और ये जो पैक है ये 60 ग्राम्स का है, इस वजह से इसमें 2 पाउडर एक्टिवेटर, 2 प्री ब्लीच क्रीम और 2 पोस्ट ब्लीच पैक मिलते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ब्लीच अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले ब्लीच क्रीम, पाउडर एक्टिवेटर, प्री ब्लीच क्रीम एंड पोस्ट ब्लीच पैक। एंड ऑल्सो इस वाले बॉक्स में आपको एक स्पून भी मिलता है, जिससे आप ब्लीच क्रीम और पाउडर एक्टिवेटर को ईजिली मिक्स कर सकते हो। एंड देन यू नीड अ एक्स्ट्रा ग्लास बोल जिसमें आप इसे मिक्स करोगे। सो गाइज, अब आप देख सकते हैं कि मैं ब्लीच क्रीम और पाउडर एक्टिवेटर को मिक्स करके बनाने वाली हूँ चेहरे पे अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने ब्लीच क्रीम का टब ओपन किया है। आप देख सकते हैं इसकी जो क्रीम होती है वाइट कलर की होती है और इसकी इस तरह से कंसिस्टेंसी होती है, थोड़ा सा थिक होता है। तो मैं अपने चेहरे और नेक पे अप्लाई करने वाली हूँ, तो उसके हिसाब से इस बोल में निकालूंगी। तो आपको जितना नीड हो आप उस हिसाब से क्रीम को निकालें और उसमें पाउडर एक्टिवेटर को मिक्स करें। एंड ऑल्सो गाइस, क्रीम को निकाल लेने के बाद जो टब होता है उसे अच्छे से टाइटली फिर से बंद कर दें। तो अब मैं इसमें पाउडर एक्टिवेटर को मिलाने वाली हूँ। तो जो इसका ये छोटा सा कंटेनर होता है, उसका जो कैप होता है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट होता है, तो उसे आप बहुत आराम से ओपन करें। और जो इसमें प्रोडक्ट होता है वो पूरा ऊपर तक नहीं भरा मिलता है। एंड इसे आपको बहुत ही कम क्वांटिटी में डालना है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं हल्का हल्का सा बहुत ही कम क्वांटिटी में से ले रही हूँ। और इसका भी वाइट कलर का प्रोडक्ट होता है। एंड ऑल्सो अगर आप पाउडर एक्टिवेटर को ज़्यादा मिक्स कर लेंगे ब्लीच क्रीम में, तो जब आप अपने चेहरे पे अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि चेहरे में रेडनेस हो जाए या फिर कोई भी टाइप की इरिटेशन हो सकती है। तो इन दोनों को डालने के बाद आपको इसे अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर लेना है, क्योंकि कभी कभी जो एक्टिवेटर होता है उसके पार्टिकल्स रह जाते हैं, वो अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप अपने चेहरे पे कोई चीज़ अप्लाई करने से पहले इसका पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। और तो इसे आप अपने रिस्ट पे अप्लाई करके देखें, अगर आपको कोई भी इरिटेशन ना हो तो तभी आप इसे अपने चेहरे पे अप्लाई करें। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अब आते हैं अगले स्टेप में। हाय एवरीवन, सो गाइस, मैं अपने चेहरे पे ब्लीच अप्लाई करने से पहले अपने बालों को बहुत ही अच्छे से बांध लूँगी। बिल्कुल भी आपको फोरहेड पे भी नहीं छोड़ना है। तो बस यूँ देखिए, चुटकी बजाते ही मैंने अपने बालों को बांध लिया है।
और अब ब्लीच अप्लाई करने से पहले अपने चेहरे को आपको फेस वॉश की हेल्प से वॉश कर लेना है। कोई भी टाइप की डर्ट नहीं होनी चाहिए आपके चेहरे पे। उसके बाद अच्छे से अपने फेस को पैट ड्राई कर लें टॉवल की हेल्प से। तो अब मैं अप्लाई करूँगी प्री ब्लीच क्रीम और इसे अपने हैंड पे इस तरह से निकाल लें और जितना आपको अप्लाई करना है, जितना ज़रूरत है, आप सिर्फ उतना ही लें और उसके बाद आप इसे नेक्स्ट टाइम के लिए भी रख सकते हैं। तो इस तरह से मैं अपने फेस पे इसे सर्कुलर मोशन पे मसाज करते हुए चेहरे पे और नेक पे अप्लाई कर लूँगी और इसे आपको अपनी आईज से दूर ही रखना है। लेकिन अगर आपकी जो ये प्री ब्लीच क्रीम है ये आईब्रोज में लग जाएगी या फिर बालों में लग जाएगी तो इससे आपके बालों को कोई भी हार्म नहीं होगा, आपके बाल गोल्डन नहीं हो जाएंगे। सो गाइज, मैंने इस क्रीम को अच्छे से अपनी स्किन में बिल्कुल ब्लेंड कर लिया है और अब मैंने लिया है जो ये हम लोग ने ब्लीच बनाई थी, ब्लीच क्रीम और पाउडर एक्टिवेटर को मिक्स करा था एक बोल में। तो अब मैं उसे स्पैचुला की हेल्प से इस तरह से अपने चेहरे पे और नेक पे अप्लाई कर लूँगी और आप देख सकते हैं कि जितना डिस्टेंस मैं अपनी आईज से रख रही हूँ, मैं इतना दूरी से अप्लाई कर रही हूँ। तो इसी तरह से आपको भी अपने फेस पे अप्लाई करना है। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आपकी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा सुपर ड्राई होगी या फिर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो हो सकता है कि जब आप ब्लीच को अपने फेस पे अप्लाई करें तो आपको एक हल्की सी इचिंग फील हो। ऑल्सो गाइज, अगर आपके फेस पे या नेक पे कहीं पे भी कोई भी टाइप का पिंपल या फिर एक्ने हो तो आपको उसके ऊपर ब्लीच अप्लाई नहीं करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे गाल में एक साइड एक पिंपल है तो मैंने वहाँ पे ब्लीच अप्लाई नहीं करी है। सो गाइज, मैंने इसे अच्छे से अपने फेस और नेक पे अप्लाई कर लिया है तो अब मैं इसे अपने चेहरे पे 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। अगर आपकी वीटिश है स्किन टोन तो आप 10 मिनट्स के लिए छोड़िए, अगर आपकी वेरी वेरी फेयर है तो आप 15 मिनट्स के लिए छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं ब्लीच को सिर्फ 10 मिनट ही अप्लाई करूँगी। एंड आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर आपके चेहरे पर कोई भी टाइप का कट या बर्न या फिर एक्ने पिंपल है तो आप उसके ऊपर इसे मत अप्लाई करिए और आइस से दूर रखिए। गाइस, ब्लीच अप्लाई करे 10 मिनट्स पूरे हो गए हैं तो अब मैं इसे रिमूव करूंगी और रिमूव करने के लिए आपको इसे डायरेक्टली फेस वॉश नहीं करना है, आपको एक टॉवल लेना है और जिसे आपको वेट करना है, उसके बाद आपको धीरे धीरे इस क्रीम को, इस प्रोडक्ट को रिमूव करना है। सो गाइज, इसे रिमूव करते टाइम आपको बहुत ज़्यादा ही अपने हैंड्स को जो है वो जेंटल रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ से नहीं रिमूव करना है। एंड अब इसके बाद मैं अपने फेस को वॉश कर लूँगी नॉर्मली टैप वाटर से एंड पैट ड्राई कर लेना है। सो गाइज, अब मैं देख सकती हूँ कि मेरे जो फेस पे और नेक पे हेयर्स हैं वो गोल्डन हो गए हैं और चेहरे पे एक अच्छा सा ग्लो भी आ गया है। ब्लीच हो जाने के बाद हमें अप्लाई करना है पोस्ट ब्लीच पैक, तो मैं इसे अपने हैंड पे पूरा निकाल लूँगी और अपने दोनों हाथों के बीच में इसे रब करते हुए अपने चेहरे पे और नेक पे इसे पैक की तरह अप्लाई कर लूँगी। अब इस पैक को अपने फेस पे 5 मिनट्स के लिए आपको छोड़ देना है और 5 मिनट बाद आपको अपने चेहरे को इसे नॉर्मल टैप वाटर से वॉश नहीं करना है, आपको अपने हैंड्स को वेट करना है और उसके बाद आपको इस तरह से मसाज करते हुए इस पैक को रिमूव करना है। एंड ऑल्सो गाइज, आप भी इसी तरह से अपने पैक को रिमूव करिएगा क्योंकि इस तरह से रिमूव करने पर चेहरे पर एक बहुत ही अच्छा सा ग्लो आ जाता है।
सो गाइस आप देख सकते हैं कि जो ये पैक है वो काफ़ी हद तक रिमूव हो गया है। तो अब नॉर्मल टैप वाटर से आपको अपने चेहरे को वॉश कर लेना है एंड पैड ड्राई कर लेना है। गाइज़ अब आपको अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई करने की नीड नहीं है। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लें, अदरवाइज़ यू डोंट नीड टू अप्लाई एनीथिंग। एंड जो ये VLCC का इंस्टा ग्लो डायमंड ब्लीच है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मुझे इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसने हेयर्स को गोल्डन कलर का भी कर दिया है और एक इंस्टेंट फेयरनेस आ गया है। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई पोस्ट अ वीडियो यू विल बी नोटिफाइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर। Bye guys!